तो भाई पता नहीं स्वीटी सुबह सुबह इधर बाहर किसको देखती है, एकदम सीरियस हो गया। मैं इसके पीछे आ जाता हूँ और इसको पता भी नहीं होता, इतना कंसंट्रेट करके देख रही थी बाहर। तो मैं भी यही देख रहा था किसको देख रही है। मेरा ऑफिशियल इसको फोन करा या के भी इधर क्या ये काले बंदर इधर अभी मेरा दूसरा नौकर भी आ चुका है गाड़ी लेके और नौकर और नौकर से हाय टू माय ब्लॉग थोड़ा जोर से बोल दे हाय भाई हाय। बैन भी तो देख सकती है कोई कोई बैन नहीं देखेगी भाई लोग अभी हम यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं जीप को। हमने आगे एक झंडा लगाया है, पीछे थोड़ी बहुत माला लगाई है, इधर साइड में लगाया है। जीप नहीं, ये कैंपर है, जीप बुक करी थी बट किस्मत होती है ना भाई। गणेश जी को कैंपर में जाना था, जीप कोई और ले गया, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, जो है उसी में खुश रहते हैं और बढ़िया विसर्जन करके आएंगे। भाई लोग अभी ये हम लगाने का ट्राई कर रहे हैं इधर गजानन जी के ऊपर, तो अभी हमारे को लकड़ी वकड़ी चाहिए तो हम यही खोल रहे हैं यार, और बाकी तो क्या करेंगे। अरे भाई कुछ ऐसा डेकोरेशन लग रहा है, अभी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, जैसे भी लग रहा है ठीक है। इधर थोड़ी माला वाला लटकाई है, आगे आगे एक झंडा है, थोड़ा बड़ा है इससे कंपेरिजन में। तो भाई लोगों अपने आगे है पुलिस की गाड़ी और अपने पास कोई डीजे वगैरह नहीं है। दो लोग बुक करा था अपने, मोहल्ले तक ही रखा था और जीप भी बुक करी थी बट वो कोई और ले गया बैठ के, इसमें कोई नहीं यार, इधर कैंपर में ज्यादा अच्छा होगा यार सब कुछ। अभी हम अंदर बैठे हैं, बढ़िया एसी वीसी चल रही है और अपने पीछे गजानन जी वगैरह बैठे हैं। आपको बाहर निकल के बाहर का माहौल चेक करवाता हूँ एक सेकेंड। पापा मना कर रहे विसर्जन अपन रात को करेंगे। बैकअप हो रहा है गाइस, कैमरा क्वालिटी में मत जाना, एंड्रॉइड से शूट कर रहा हूँ, आईफोन स्विच ऑफ हो गया। बैकअप हो रहा है, विसर्जन वगैरह मूर्ति हमने रख दी है, बाकी हम विसर्जन रात को आके करेंगे। ओ भाई विसर्जन करके रवाना हो चुके, कैमरा क्वालिटी में मत जाना फिर से बता रहा हूँ, घर जाके फोन चार्ज कर दूंगा।
जितनी देर धीरे धीरे चला तेज चलने में उतना ही मजा आ रहा है, और जैसे ज्यादा स्पीड रहती है। ब्लॉगर हुए प्रो ब्लॉगर। तो भाई लोग, अपन ने कल गजानन जी का विसर्जन नहीं करा था, उनको अपन ने मंदिर के सामने ला के रख दिया था और बोला था कि रात को विसर्जन करेंगे, बट इतना थक गए थे हम, विसर्जन ही करना भूल गए थे, सो गए थे, और अभी हम सुबह आए वापस विसर्जन करने। तो चुपके से कर देते हैं विसर्जन, अगर घर वालों को पता चला तो वो डांटेंगे। घर वालों मेरा ये ब्लॉग मत देखना, ठीक है। बाय बाय गजानन जी, अगले साल जल्दी आना। तो चलो यार, इसी के साथ ब्लॉग को भी खत्म करते हैं। बाय बाय।